अभी ये सुराख देख रहे हो, ये हवादार बने हुए हैं भाई। इसके लिए लाइनें चेक करो भाई, लाइनें 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 भाई, इधर बहुत बड़ी लाइनें आ गया, ऊपर से नजर आ रही थी ये वाली लाइनें। और अभी भाई हम नीचे फाइनली उतर आए हैं, और थोड़ा सा बस अब पहाड़ की हम बेसमेंट में ही हैं। तो भाई हमारी गाड़ी में आ गया जी मुर्गी। भाई ये मुर्गी पड़ी हुई थी रोड के ऊपर, पड़ी हुई थी रोड के ऊपर। मैंने सोचा कि मरी हुई पड़ी हुई है, लेकिन मेरे अचानक जो है ना, मैंने देखा कि भाई ये तो जिंदा है। फिर मैंने भी जल्दी जल्दी से भाई गाड़ी रोका, और भी उसको जो है ना रिवर्स किया गाड़ी को। पीछे शुक्र है कोई ट्रैफिक नहीं थी, अगर मेरे पीछे कोई और गाड़ी होती ना, वो इसको मार के भाग आ जाती। चलिए अभी इसको पानी यानी पिलाते हैं। तो उधर उस रोड के ऊपर पड़ी थी, ठीक है, सेंटर के ऊपर ही पड़ी हुई थी ये। मुझे लगता है जो गाड़ियों वाले जाते हैं ना इधर से लेके, ठीक है ना, मुर्गियाँ, तो वो भाई शायद ये मुर्गी ने छलांग मार दी होगी, या कहीं से जाली वाली उसकी जो है ना थोड़ी खुली ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है ना ये बाहर निकल आई है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है यार। अब यहाँ पे एसी चल रहा है भाई, इसको ठंडी हवा जा रही है, ये अच्छी बात है इसके लिए भी। भाई वो नीचे बकरियां नजर आ रही हैं आपको, बकरियां भाई घास चर रही हैं, क्या बात है। अब हमें ग्रीनरी चेक करो भाई, और ये हैयस वाले के काम चेक करो भाई, इसने देखा भी नहीं कभी कोई है, ऐसे ही बढ़ा दी इसने भी गड्डी, क्या यार। तो ये है सऊदी इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी, वाह वाह। भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, हमारे बंधु भाई लगे हुए हैं भाई। बंधु भाई, बंधु भाई क्या हाल है, ठीक है भाई। ये जो फूल लगे हुए हैं ना, फूल फूल तो नहीं है, दरख्तों के ऊपर फूल लगे हैं भाई, क्या बात है भाई। ये देखो पर्पल कलर के और येलो कलर के, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। और ये आ गई है चढ़ाई, और इस चढ़ाई के ऊपर हमारी होंडाई की हो रही है बस। हे, इसको भगाना पड़ेगा। अब देखो भाई मैं कैसे इसको भगाता हूँ, यला आपको जब पता लगे कि भाई चढ़ाई स्टार्ट हो रही है, तब भी ऐसा गियर लगा लें कि भाई आपको बाद में चढ़ाई के सेंटर के ऊपर या ऊपर जाके फिर आपको चेंज ना करना पड़ जाए, क्योंकि भाई जब आप चेंज करेंगे फिर आपकी गाड़ी मजीद स्लो हो जाएगी, ठीक है, आरपीएम बहुत नीचे गिर जाएगा। अगर आपकी गाड़ी फुल लोड है तो, खाली है तो फिर तो मुश्किल नहीं है, फिर तो आप दूसरा तीसरा गियर लगा के जा सकते हैं, तीसरा गियर भी बाद में दूसरा गियर भी लग सकता है, मुश्किल नहीं है। तो भाई इस भाई ने गाड़ी अंदर ठोकी हुई है भाई फुल, अभी पता नहीं ये मोबाइल चला रहा था क्या कर रहा था नहीं पता, लेकिन भी इसने ठोक दी है गाड़ी साइड के अंदर भाई, आगे पत्थरों के अंदर जाके लगी हुई है। और भी कैमरे आपने देखने, कैमरे ये लेफ्ट साइड पे देखे भाई, दो अमूद लगे हुए हैं। कैफल हाल अभी भी जवाब ही नहीं दे रहे, वैसे इनका जवाब ना आए अच्छा है, इनका जवाब आएगा तो फिर 150 देना पड़ेगा। हा। ओ देखो पहाड़ के ऊपर घर बना हुआ है भाई, पहाड़ के ऊपर। तो भाई ये जो पहाड़ी के ऊपर घर बनते हैं ना, इसके ऊपर तो भाई इसकी बेस बनाते बनाते भी बड़ा पैसा लगता है भाई, पहाड़ काटना है फिर नीचे जो बेस बनानी है इसकी, पत्थरों की बनानी है, सारी कंक्रीट डालनी पड़ती है भाई, बड़ा खर्चा आता है बड़ा खर्चा आता है। लेकिन जब ये बन जाते हैं ना, फिर इनकी वो जो है ना दीवारें, दीवारों में दराड़ें भी बहुत जल्दी आती हैं, क्योंकि ये पहाड़ है ना अंदर खाली होता है सारा, इसीलिए तो भाई जल्दी दराड़ें आ जाती हैं इनकी दीवारों में।
तो भाई इधर एक बोर्ड लगा हुआ है भाई कि भाई इधर बंदर को कोई चीज भी नहीं खिलानी है, क्योंकि इधर बंदर बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो यहाँ पे भी जो खिलाएगा ममनू है, उसके ऊपर भी जुर्माना भी आ सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है उसके ऊपर। बंदर को कुछ नहीं खिलाना भाई, चाहे भूखे मर भी जाए, लेकिन भूखे नहीं मरते, अल्लाह ने हर किसी को रिस्क देना होता है, उनको मिल जाता है जो उनके नसीब का होता है, लेकिन भी हम उनको नहीं खिला सकते कानूनी तौर पे। हाँ जी, तो भाई लोगों ये है जी रात जो मैंने आपको दिखाया था पिछली एपिसोड में, अब हा का गेट एंट्रेंस माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, और हम अभी राइट जाके राइट से ऊपर वो ब्रिज से ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है ना, और इधर भी आगे आ जाएगी चौकी तफ्तीश, हाँ जी चेक पॉइंट, तो भाई उधर जाके हम अपने पूरी गाड़ी के जो है ना कागजात वगैरह जो होते हैं ना सारे दिखा के आएंगे, उतर के गाड़ी एक साइड पे पार्क लगाएंगे, ठीक है, ये देख लो ना तफ्तीश आ रही है, चेक पॉइंट अहेड 1500 मीटर पे के ऊपर, मतलब के 1.5 किलोमीटर तक, तो भाई हम पूरे उधर इसकी गाड़ी के पेपर दिखाएंगे उधर, और वो चेक करेंगे, फिर जाके हमें वो पहाड़ी के नीचे उतरने देंगे। अगर इधर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, या फास नहीं है, या आपका इकाम लाइसेंस एक्सपायर है, तो भाई वो आपको इधर से नहीं जाने देंगे, वो बोलेंगे वो बड़ा बड़ा घूम के जाओ भाई, पीछे वो भेज देंगे आपको, फिर वो उधर ताइफ से पता नहीं किधर किधर से घूमना पड़ता है भाई। हाँ जी, ये भी मसला मसाइल होते हैं भाई इधर। तो भाई ये तफ्तीश लगी हुई है भाई इधर सारे ट्रेलर, अब ये चेक नहीं करा रहे हैं या इन्होंने चेक करा लिया है, अब पता नहीं है इनका, मेरे ख्याल से बड़ी गाड़ी वाले ऐसे ही जाएंगे, डैने वाले चेक करा के जाएंगे, ये देख रहे हो ना वो वाला डैना अभी किधर जा रहा है, वो वाला डैना, ये वाला डैना, सारे मेरे ख्याल से तकरीबन उधर रुकेंगे, नहीं सारे जा रहे हैं भाई, सब गाड़ी वाले, वो देखो सारे पेपर अपने अपने लेके ना जा रहे हैं। हाँ जी, हम भी ये लाइन में ही लगेंगे भाई, अपने पेपर शेपर सारे निकाल लेते हैं भी हम, ठीक है, उतर के जाना पड़ेगा उधर। अब मुझे नहीं पता मेरे गाड़ी का जो है ना किधर हुआ पड़ा है भाई, वो इसका जो है ना इस्तमारा उतर से, वैसे मेरे मोबाइल में है पड़ा, अब वो ये ना बोलेंगे भाई पेपर दो, पेपर भी लेके जाते हैं भाई, पेपर अभी किधर पड़ा होगा नहीं पता। तो भाई हम जा रहे थे उधर दिखाने के लिए वर्के शर्के, तो भाई उसने बोला है जाओ जाओ जाओ, ऐसे कर दिया, अभी जो है ना हम ऐसे ही चले जाते हैं भाई, देखते हैं क्या बोलते हैं हमको, चलो भाई देखते हैं। उसने मैं उस टाइम तो ऐसे इशारा कर दिया था, लेकिन कभी कभी होता है भाई अगर ना दिखाओगे ना डायरेक्ट आप ऐसे गुजर जाओगे, फिर वो बोलते हैं भाई आपने दिखाया क्यों नहीं, पकड़ भी लेते हैं। तो भाई अभी यहाँ से जो है ना अभा के जो पहाड़ हैं हम उतर रहे हैं, और आपको भी टाइम लैप्स में दिखाते हैं, आ जाओ, रात भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी भी दिन के भी नज़ारे आप चेक कर लो। तो भाई ये देखो भाई बंदर बैठा हुआ है। हाँ जी, की हाल चाल, ठीक हो यार, ये इमरजेंसी बढ़ रहे हैं अभी बंदे इधर, अब इनको पता क्या बोले, ओवरटेक कर रहे हैं बंदे, जबरदस्ती लाइन के अंदर ही बढ़ रहे हैं यार, आप लोगों को पता भी है कि आगे फुल रश है, तो फिर क्यों, वो देखो वो चेक करो भी बंदे के काम, ऐसे बंदे किसी की ईद खराब कर देते हैं फिर, या किसी की शादी, ये देखो ये भी गया, चेक करो यार ये, ओ यार ये पाकिस्तान का अपने जमपुर रोड समझा हुआ है क्या हमारे इलाके में भी जमपुर रोड जो कराची को जाता है, डेरा टू कराची भाई, वो भी ऐसे कातल रोड है, हम उसको कातल रोड बोलते हैं, वो भी उसके दो ही ट्रैक हैं, और ऐसे समझ लो भाई वो हाईवे है एक किस्म का, तो भाई वो भी बस वहां पे जबरदस्ती रास्ता लेना पड़ता है जबरदस्ती। तो भाई मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि भी आगे वाला जो ट्रक था ना उसका बहुत हैवी लोड था, वो 5-10 की स्पीड पे ही आ रहा था,
तो उसको क्रॉसिंग बनती थी भाई, सब क्रॉस कर गए थे। चलो भी टाइम लिफ्ट में आ जाओ। अभी ये देख लो 4.5 मीटर भाई इसकी, ये 11 नंबर नफा का, ठीक है 11 नंबर सुरंग है। आगे अब तकरीबन टोटल 11 ही हैं, ये लास्ट वाली है ठीक है ना। हाँ जी, नीचे से स्टार्ट होती है ऊपर तक, मतलब कि 11 सुरंगें हैं इसकी ठीक है। अभी हम 11 वाली आगे निकल चुके हैं। अभी ये कौन सा नंबर, ये 10 नंबर है भाई। ये देखो आपको राइट साइड पे नजर आएगा सुरंग, जब जैसे स्टार्ट होती है ना, ये चेक करो, ये नफक नजर आ रही है, जो 10 नंबर नफक लिखा हुआ था ना जहाँ पे। तो भाई इधर 12 मीटर लंबी व्हीकल और 4.5 मीटर ऊंची, तो भाई वो इधर चढ़ सकते हैं इस पहाड़ी के ऊपर ठीक है। अदरवाइज 12 से ऊपर अगर लॉन्ग होगी 12 मीटर से, तो भाई वो जो है ना कबूल नहीं की जाएगी, उसको जो है ना शुरता वापस धकेल देगा, अभी चलो वापस जाओ भाई। तो भाई नीचे बड़ी बड़ी लाइनें मुझे नजर आ रही हैं ट्रकों की, देखते हैं भाई की होता बेता है, कोई पता नहीं है भाई। जो स्लो है उसको ओवरटेक मारो, वैसे है तो ममनू, अब ये ना हो शुरता साहब पकड़ ना ले कहीं से क्या कर सकते हैं यार। अब ये 9 नंबर नफा का आ गई ठीक है, टाइम लिप्स में आ जाओ भाई, थोड़ा सा टाइम लिप्स बनाते हैं इसका। तो ऊपर से देखो भाई, ऊपर से ऊपर ओ दिफा मदनी वाला जो फायर ब्रिगेड स्टेशन, बंदे ओवरटेक पे ओवरटेक मारी जा रहे हैं, हम भी लगाते हैं इधर ओवरटेक, क्योंकि अभी आगे कोई गाड़ी फिलहाल नजर तो नहीं आ रही है। क्या ही बात है भाई, नीचे खाई चेक करो, खाई खाई खाई। और ये देखो भाई वो उधर से हम आए हैं ऊपर से ठीक है, बहुत ऊपर है पहाड़ ये भागा। धुआं, सारी धुएं की बदबू है भाई, ये बहुत ही बड़ी वो है। अच्छा वो बोलते लाइटें चलाओ भाई, लाइटें 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 तो मैं भूल गया था वैसे चलानी, और पीछे पता नहीं अब किस वो अस्करी की गाड़ी थी या पुलिस की गाड़ी थी, कोई पता नहीं है, जो डिपर मार रहा था और मुझे बोल रहा था कि लाइटें चलाओ। वैसे लाइटें इधर चलानी थी, मैं भाई भूल गया, सॉरी भाई सॉरी 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 सॉरी। लेकिन भाई शुरता अगर था वो आ गया ना वापस, वो हमसे सॉरी नहीं पूछेगा कि भाई हाँ जी सॉरी या मोरी, लाइटें चला के रखनी पड़ती हैं भाई। और इधर उनका साइन भी आता है लाइटें, वो बोलते हैं भाई लाइटें चला दो। ये देखो भाई हम 4 नंबर अभी नफक में से गुजर रहे हैं अभी। भाई ये सबसे जो है ना खतरनाक वाली मोड़ है भाई ये वाली। हाँ जी, और इधर कोई किसी की अगर ब्रेकें चली गई ना वो नीचे सीधा खाई में गिरेगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अभी ऊपर ओ, 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 ये सामने मोबाइल वाला कैमरा, नहीं तो मैं भी आपको दिखाता, ये चेक करो यार, तू क्रॉस मारना ही मार जा यार, मैंने तू फिर से नफक आ गई 3 नंबर। बड़ी सुकून से बैठे हुए हैं अभी, बड़े सुकून से ऐसे बैठे हुए हैं ना ये देखो भाई ये और बैठे हुए हैं। हाँ जी केवल हाल दगा था हुई हुई था भाई, सारे देख रहे हैं गाड़ियों को कि भाई कोई गाड़ी वाला रुके और इनको कुछ खाने को दे, लेकिन भाई हम कुछ नहीं दे सकते, हालांकि हमारे पास बिस्किट पड़े हुए हैं। कानूनन जुर्म है, कानूनन। अच्छा भाई ये नफक 2 है, एक बार ना हम इधर से गुजर रहे थे, एक लोरी बहुत बड़ी लोरी वाला था ठीक है,
वो ना बहुत ही ये येलो लाइन के बाहर एक टायर रख के ना गाड़ी चला रहा था भाई, ऊपर उसकी लोरी फंस गई। ये आप देख रहे हो ना ऊपर जो ये स्क्रैच लगे हुए हैं, ये भाई बंदे इस साइड पे होते हैं जिसका बहुत अप होता है ना लोड, ऊपर ज्यादा होता है, या जिनके संदूक बहुत ऊंचे होते हैं एक्ट्रेस वालों के, तो भाई वो ऊपर लग जाते हैं भाई। और ये अभी ये लास्ट नफक है भाई, नफक बोलते हैं गार को, ठीक है। हाँ जी, ये अभी वन नंबर है नफक, बस यहाँ से खत्म। अभी ये सुराख देख रहे हो, ये हवादार बने हुए हैं भाई इसके लिए। अभी हवा लाइने चेक करो भाई, लाइने 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 भाई, इधर बहुत बड़ी लाइने आ गया, ऊपर से नजर आ रही थी ये वाली लाइने। और अभी भाई हम नीचे फाइनली उतर आए हैं, और थोड़ा सा बस अब पहाड़ के हम बेसमेंट में ही हैं। हाँ जी, तो भाई हमारी गाड़ी में आ गया जी मुर्गी। भाई ये मुर्गी पड़ी हुई थी रोड के ऊपर, पड़ी हुई थी रोड के ऊपर, मैंने सोचा कि मरी हुई पड़ी हुई है, लेकिन मेरे अचानक जो है ना मैंने देखा कि भाई ये तो जिंदा है। फिर मैंने भी जल्दी जल्दी से भाई गाड़ी रोका, और भी उसको जो है ना रिवर्स किया गाड़ी को पीछे। शुक्र है कोई ट्रैफिक नहीं थी, अगर मेरे पीछे कोई और गाड़ी होती ना वो इसको मार के भाग आ जाती, ठीक है ना। तो भाई अभी ये देखो भाई बहुत ही, अब ये बेचारी गिर गई थी, ये चेक करो। अभी अब मैंने इसको पकड़ लिया, अभी इसको पानी है नहीं पिलाते हैं, देखते हैं भाई अब मैं इसका करूंगा क्या ये नहीं पता मुझे। पी भाई पानी, इसको अभी पता लगा कि भाई ये पानी है। इसको डायरेक्ट ही ऐसे पिलाते हैं भाई, अब यार इसका मैं क्या करूं, किसी कसाई वाली दुकान को दूं, क्या करूं मुझे नहीं समझ आ रही इसकी, या फिर ले के जाऊं। मतलब इसको बचाने का क्या फायदा, फिर मैं इसको जिबा करके फिर ये तो वैसे नाइंसाफी नहीं हो जाएगी इसके साथ। चलो अभी भी इसको थोड़ा सा पानी तो मैंने पिला दिया है, अभी जो है ना मैट को उल्टा डालते हैं इधर, ताकि ये पोटी छोटी करे ना, मैट ना ख़राब हो। तो भाई ये वो उधर उस रोड के ऊपर पड़ी थी, ठीक है, सेंटर के ऊपर ही पड़ी हुई थी ये। मुझे लगता है जो गाड़ियों वाले जाते हैं ना इधर से लेके, ठीक है ना, मुर्गियाँ, तो वो भाई शायद ये मुर्गी ने छलांग मार दी होगी, या कहीं से जाली वाली उसकी जो है ना थोड़ी खुली ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है ना ये बाहर निकल आई है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है यार। अब यहाँ पे एसी चल रहा है भाई, इसको ठंडी हवा जा रही है, ये अच्छी बात है इसके लिए भी। तो भाई हम इसको अभी ले कर जा रहे हैं भाई, अब देखते हैं भाई ये कहाँ तक सरवाइव कर पाती है, क्योंकि भाई ये बहुत बुरी तरह से गिरी है। अभी मैं इसको हाथ भी लगाता हूँ ना, ये रोने लग जाती है, इसका मतलब है इसको चोटें आई पड़ी हैं भाई बहुत ज़्यादा, और बेचारी बहुत डरी हुई है। अभी एसी चल रहा है ना नीचे, ये अब इसको ठंडी हवा मिलती रहेगी भाई। अच्छा मैं सोचा कि ये जो है ना वैसे जो है ना मरी हुई कोई चीज़ पड़ी है, या कोई छापर वगैरह इस तरह का पड़ा हुआ है, मैंने गौर नहीं किया। जब मैं नज़दीक से गुजरा ना, हालांकि मेरी गाड़ी के टायर इसके नज़दीक से ही गुजरा, ये सेंटर वाली लाइन के ऊपर ही पड़ी हुई थी, ठीक है, तो मैंने भाई जल्दी जल्दी फिर पीछे पीछे जो है ना पीछे वाले शीशे पे देखा, ये ना अपनी पूंछ हिला रही थी, ठीक है ना, गर्मी की वजह से। तो शायद इसको अल्लाह पाक ने अभी बचाना था, इसकी ज़िंदगी थोड़ी दिन क्या थोड़े घंटे शायद बची हुई हो। तो अभी आगे देखेंगे, अगर कोई इस तरह की गाड़ी वाला हमें मिला ना, हम उसको ये मुर्गी वापस कर देंगे भाई, अगर हमें कहीं पे किसी मार्केट पे मिलता है तो, मुर्गियों का जो डैना जाता है ना, मुर्गियों वाला, हम देखेंगे, या ट्रेलर जिस तरह जाता है, वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, नज़दीक ही होगा, क्योंकि ये अगर ये बहुत टाइम की इधर पड़ी होती ना, ये अब तक कुचली गई होती, क्योंकि आगे बहुत लंबी लंबी लाइनें गई है ट्रेलर की। हाँ जी, तो अभी जाके आगे भाई देखते हैं आगे अगर कोई मिलेगा तो हमें, क्योंकि अभी जोर का टाइम भी होने वाला है, और जोर के टाइम कहीं ना कहीं पे ये डैने वाला या ट्रेलर वाला ज़रूर रुकेगा।
चलो अल्लाह करे यार मिल जाए, मैं तो यही कहता हूँ। हाँ जी, मुर्गी पता है किधर बढ़ गई है? डैशबोर्ड के अंदर, वो देखो। यार तू वो देखो वो फिर बढ़ रही है भाई अंदर। क्या करूं यार अब इसका मैं। Thank you.